जैसे ही हम गैस गीजर को ऑन कर रहे हैं, जो गैस की फ्लेम है वो कुछ सेकंड जलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपका गैस गीजर का टैंक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, देखिए हम आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। दो तीन चीजें बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बिल्कुल आसानी से आप घर पर इसको रिपेयर कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा देख लेना पूरा, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, हमने एक जो कूलर का पंप होता है वो लगाया यहाँ पे, और इसमें यानी गैस गीजर में जो इनलेट पाइप होती है उसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया है। जैसे कनेक्शन होते हैं वैसे कर दिए, केवल हमने जो पाइप होती है गैस की, गैस का पाइप का कनेक्शन हमने नहीं किया। और इसमें देखिए कैसे हमने इसको चलाया है, तो जो पानी का प्रेशर है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, सभी तरह से जो नोब होती है गैस गीजर की उसको हमने अच्छे से सेटिंग कर लिया है। फिर भी क्या है कि जो पानी का प्रेशर है वो कम है, अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको इस समय क्या करना है वो आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए वीडियो में आप साफ देख पा रहे हैं पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों, दो तीन बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आपका जो गैस गीजर है वो अच्छी तरह से चलेगा और आपको कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं लगने वाला है। देखिए, पानी का प्रेशर कम अगर आपका होता है तो आपको क्या करना है, जो हम बाथरूम क्लीन करने के लिए तेजाब लाते हैं मार्केट से, जो मीडियम क्वालिटी का होता है वो लेकर आना है। और उसको देखिए, जैसे कूलर का पंप हमने एक बाल्टी में रख रखा है वैसे ही आपको रखना है, और आधा बोतल यानी आधा बोतल उसमें आपको डाल देना है। देखिए, ठीक है, आप उसमें आधा डालेंगे, पूरा डालने की जरूरत नहीं आपको। उसमें चलते हुए पंप में आप यानी चलते हुए पंप में आप आधा जो बोतल होता है वो उसमें डाल देना है। देखिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल और केवल 10 मिनट तक वेट करना है। 10 मिनट वेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा इसमें क्या इसमें अंतर है। ठीक है, यानी कैसे यह हमारा ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है। देखिए, पहली जो दिक्कत आपको बताई थी वो दूर हो चुकी है, यानी कि जो पानी का प्रेशर है वो हमारा ओके हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, वीडियो को थोड़ा सा और देखिए। देखिए, पानी का प्रेशर हो गया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे यह गैस गीजर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने गीजर को हैंग कर दिया, लटका दिया देखिए, और अभी हम इसको गैस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, गैस पाइप भी इसमें लगा देते हैं। देखिए, लगा दिया हमने, प्रॉपर कनेक्शन कर दिया इनलेट आउटलेट पाइप, और गैस गीजर की जो पाइप होती है, गैस की पाइप होती है, उसको कनेक्शन कर दिया है। अभी हम चेक करते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है। देखिए, जैसे ऑन कर रहे हैं ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। देखिए, यह बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों, अगर ऐसा है आपके साथ तो अभी से इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, तभी समझ में आने वाला है। देखिए, जैसे ही हम गैस गीजर को ऑन कर रहे हैं, जो गैस की फ्लेम है वो कुछ सेकंड जलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। तो इसका क्या कारण है वो भी आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा चलाते हैं, यानी गैस गीजर की टैब को जैसे ऑन कर रहे हैं तो गैस गीजर कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, और इसमें से जो आउटलेट पाइप होती है, जो टैब होती है गर्म पानी वाली, उसमें से भाप भी निकलने लग जाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैस गीजर की जो बैटरी होती है उसको चेक कर लेना और उसको आपको बदल देना। देखिए, बैटरी 9/22 की है, यानी कि पिछले साल की बैटरी है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमने गैस गीजर की बैटरी चेंज कर दी है। अब चेक करते हैं कि दिक्कत दूर हुई है या नहीं हुई है। देखिए, दोबारा से हम इस गैस गीजर को ऑन करते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों, इसको चेक करने के बाद भी हल नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो नोब होती है, देखिए सिंपल सा फंडा है, इसको आप अपना लीजिए। जो हमारा गैस का कंट्रोल है उसको आप सेंटर में कर दीजिए या फिर मिनिमम पे कर दीजिए। दूसरा क्या करना है, जो पानी का लेवल है उसको फुल रखना है हमेशा। और तीसरा क्या करना है, जो फ्लेम होती है उसको आपको विंटर पे नहीं करके आपको समर पे कर देना है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है पानी का वो ज्यादा होने की वजह से जो गैस गीजर होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि जो गैस गीजर होता है वो कंटिन्यू हमारा गर्म पानी देता है और ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट जो है वो कट मार देता है। और देखिए, ऐसा करने के बाद आपका जो गैस गीजर है बिल्कुल ओके चलने वाला है। देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो गैस गीजर है बिल्कुल ओके चल रहा है दोस्तों, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं रुका है। तो आप जो सेटिंग होती है इसकी, जो नोब की, वो कर दीजिए, यानी विंटर की जगह आप समर पर कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों यह दिक्कत आती है जब पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, तो इस वजह से यह दिक्कत हमें आती है। तो एक बार आप यह सेटिंग कर दीजिए और उसके बाद देखिए आपका गैस गीजर ओके चलेगा। कुछ भी जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।